रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। विद्या के मंदिर की चौखट पर गुरु खुलेआम बहारे लघु शंका की धार। शिवपुरी, एक तरफ पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत की मुहिम छेड़ी हुई है, वहीं प्रदेश के एक विद्यालय के बड़े जिम्मेदार पद पर पदस्थ प्रधानाध्यापक पीएम मोदी के इस अभियान पर लघु शंका की धार बहा रहे हैं। जहां बच्चों को शिक्षा देने वाले विद्यालय को विद्या के मंदिर का दर्जा दिया जाता है और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षा देने वाला स्टाफ विद्यालय को साफ और स्वच्छ रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वहीं आपको अगर पता चले कि प्रदेश में एक ऐसा भी है स्कूल जहां प्रचार कक्ष की दहलीज पर खड़े होकर स्कूल के प्रधानाध्यापक लघु शंका कर रहे हैं, तो चौंकिए मत, क्योंकि हम आपको ऐसे हेडमास्टर की ये घिनौनी करतूत दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला प्रदेश के पोरी के प्रभारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी मोतीलाल खंगार प्राचार्य कक्ष के दरवाजे पर खड़े होकर खुलेआम पेशाब करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इंसाफ की ये घिनौनी करतूत किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली। प्रधानाध्यापक मोतीलाल खंगार के इस कृत्य के वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस विद्या के मंदिर में शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता है, वहीं विद्या मंदिर की चौखट पर खुलेआम लघु शंका कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि मोतीलाल खंगार ने ये कृत्य होश में किया है या नशे में। इस अशोभनीय करतूत पर अब तक प्रशासन मौन क्यों है? हालांकि जब इस पूरे मामले को लेकर डीईओ दीपा पांडे से सवाल किया गया तो उन्होंने मामले में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए जांच का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ दिया। अब देखना होगा कि ऐसे अशोभनीय कृत्य को अंजाम देने वाले प्रधान अध्यापक मोतीलाल खंगार पर प्रशासन कब कार्रवाई करता है या फिर छात्राओं के स्कूल में इस तरह की निंदनीय घटनाएं अविरल होती रहेंगी। पौड़ी के विकास खंड शिक्षा अधिकारी का एक फोटो वायरल हुआ है जिसमें लघु शंका करते नजर आ रहा है, क्या कहना? जैसा कि आपने बताया है, मेरे संज्ञान में लाया है, निश्चित रूप से अशोभनीय चीज़ है। हम उनको स्पष्टीकरण जारी करेंगे इस बाबत, और अगर दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई के लिए भी लिखेंगे।